नमस्कार, वीटी न्यूज बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं गुलशन कुमार। अब चुनावी उस वक्त में हैं, उस दौर में हैं जब टिकट का बंटवारा होगा, टिकट सीटों पर टिकट फाइनल किया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ लखीसराय के मुद्दे पर बात करने के लिए विजय कुमार सिन्हा हैं। विजय कुमार सिन्हा बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री हैं। हम इनसे बात करेंगे कि सर, जो अभी चल रहा है, लगातार NDA में फूट चल रही है, तो सबसे पहले समीकरण जानना होगा कि सीटों के शेयरिंग पर क्या होगा। हमारा नेतृत्व सक्षम है और वह निर्णय करने के लिए पूर्णतः सकारात्मक भाव में बैठे हैं और सारा वातावरण सकारात्मक है, इस पर किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो लखीसराय विधानसभा में ये जानना चाहेंगे कि पिछले 5 साल में जनता रिपोर्ट मांगती है, क्या काम हुआ है आपके द्वारा? आपको जानकारी होनी चाहिए कि हमने बजाबते रिपोर्ट कार्ड बनवा कर करके लोगों के बीच वितरण किया है। 1150 करोड़ का काम किए हैं, 202 सड़क हमारे रीजन में जब से सेवा का अवसर मिला है। आज इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ANM, GNM, पारा मेडिकल कॉलेज, ITI, सारे टेक्निकल संस्थान, कई दर्जन मिडिल स्कूल को उच्च विद्यालय में उत्क्रमित किया गया। आज पोस्टमार्टम हाउस से लेके ब्लड बैंक, सब जगह आज एम्बुलेंस, ये तमाम व्यवस्थाएं लखीसराय के अंदर है। और लखीसराय के अंदर 142 करोड़ से महाजाम से मुक्ति के लिए बाईपास, तो विकास की काम को 1150 करोड़ से ज़्यादा का हुआ है। राज्य सरकार के साथ निश्चय के माध्यम से नली गली हर घर नल जल, जल जीवन हरियाली के माध्यम से और केंद्र सरकार की योजनाएं इसके अलावे है, तो ये सारे काम बिहार लखीसराय क्षेत्र की जनता को समर्पित है। और जो अभी और चुनौती है, लघु कुटीर उद्योग का शैक्षणिक वातावरण के अंदर और बेहतर करने का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो सरकार तैयारी कर रही है। पहले जो चुनाव होते थे रैली करके, भीड़ जुटा के, अब तो सारा चीज़ वर्चुअल हो गया, डिजिटल हो गया, तो अपनी बात जनता तक किस तरह से रख सकेंगे? देखिए, 2/3 नौजवानों की आबादी है और आज हमारे ही विभाग के माध्यम से KYP सेंटर के माध्यम से नौजवानों को मुफ्त में कंप्यूटर का ज्ञान दिया जा रहा है और वो नौजवान कंप्यूटर के ज्ञान प्राप्त करके आज डिजिटल इंडिया से जुड़ चुका है। हर लोग के पास स्मार्टफोन के कारण, जिनको नहीं भी है, एक हम लोग भी कई वर्चुअल संवाद किए हैं। एक लड़का अगर जो मोबाइल पर है, वहाँ बगल में दर्जनों बैठ जाते हैं, बारी बारी से अपनी बात को रखते हैं। तो काफ़ी आज ऑनलाइन देखिए, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में किसानों का ऑनलाइन अनुदान, तो काफ़ी ज़्यादा इससे अनभिज्ञ नहीं है, इससे काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं, इससे जान चुके हैं। और डिजिटल इंडिया का जो प्रधानमंत्री जी का सपना था, मुख्यमंत्री जी का जो डिजिटल इंडिया के लिए नौजवानों को जोड़ने की व्यवस्था बनाई गई थी, आज वह दूरदर्शिता सफलता के साथ लोगों के बीच इस महामारी में काम आ रहा है। देखिए, अब कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे उतना पहुँच नहीं है, डिजिटल का पहुँच नहीं है, लोग नहीं जान पाते हैं, लोग मोबाइल नहीं देख पाते हैं, लोग टीवी नहीं देख पाते हैं, और इस वक्त जब चुनाव है, रैली नहीं करना है, तो उन लोगों तक आप अपनी बात को कैसे पहुँचा पाइएगा? भारतीय जनता पार्टी संगठन की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के हर बूथ तक संगठन खड़ा है। और हमारे संगठन के कार्यकर्ता, बड़ा नेता हो या छोटा कार्यकर्ता है, सभी तुलसी के पत्ते के तरह मान बराबर है और बुद्धि प्रबुद्ध है, वो अपने संगठनात्मक राज्य हित राष्ट्र हित की बातों को नीचे तक पहुंचा देता है। लेकिन एक चीज़ जानना है आपसे कि BJP कार्यालय में आपका विरोध हुआ। चलिए, विरोध आपके कार्यकर्ता, लोकतंत्र में विरोध एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और उस विरोध को हम लोग कोई मायने नहीं लेते हैं, क्योंकि राजनीति में कई तरह की मानसिकता काम करती है, उस पर प्रदेश अध्यक्ष का स्टेटमेंट आ चुका है, इसके बाद उस पर कोई चर्चा की जरूरत नहीं है। तो अब कितनी तैयारी पूरी हो गई है इस विधानसभा सीट को लेकर? भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही के नाते हमेशा सैनिक तैयार रहता है, कभी भी भिसिल बजेगा और युद्ध के लिए या किसी भी शत्रु के आक्रमण के लिए वो सोता नहीं है, सजग रहता है। ये सजगता चुनाव में हम लोगों को ज़्यादा लाभ देता है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।